अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 के रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर की अंतिम गेंद पर जो हुआ देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे सूर्या ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से किया मैच को ड्रॉ, जब 6 गेंद पर भारत को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। पंत और सूर्या ने कैसे बांग्लादेशी टीम की उड़ाई धज्जियां, रच दिया नया इतिहास। दिल दहला देने वाले इस रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम जब बांग्लादेश का सामना करने वाली है, दोनों टीमों को 3 मैचों की T20 सीरीज खेलना है। इस दौरे के लिए T20 सीरीज में कप्तान एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच में टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। बांग्लादेश की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 4 विकेट खोकर टीम इंडिया के सामने 20 ओवर में 208 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था और टीम की तरफ से लिटन दास ने सबसे अधिक 82 रनों की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार हुई। यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने मैच को पलट दिया। पहले अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया और फिर अगले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने टीम की पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाया और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी अपना विकेट गंवा बैठे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने मैच को पलट दिया। जहां यह मुकाबला बांग्लादेश जीत की तरफ जा रहा था, उस मुकाबले को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। ये देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन रोमांच और बढ़ चुका था। पहले ही T20 मैच में ऐसा घमासान देख के हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन अभी तक विजेता नहीं मिल पाया था। 240 गेंद खेलने के बाद भी हमें चैंपियन की तलाश थी, जिसके बाद दोनों अंपायर और कप्तानों ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक एक ओवर का सुपर ओवर मुकाबला खेला जाए। उसके बाद दोनों टीमें तैयार हुईं और फिर एक बार बांग्लादेश को सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया और मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लिटन दास और शाकिब अल हसन। एक बार फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से निकालने का काम किया। भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप की जमकर कुटाई कर दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर 6 गेंद में भारत के सामने 22 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत को ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। भारतीय खेमा मायूस हो चुका था, दर्शक भी निराश हो चुके थे, हर कोई इंडिया की हार मान चुका था। लेकिन सुपर ओवर में भारत की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे दो खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। भारतीय फैंस की निगाहें इन दो खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी, हर एक दर्शक फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। वहीं बांग्लादेश की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान स्ट्राइक पर मौजूद थे सूर्य कुमार यादव। मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उन्होंने केवल 1 रन ले पाए। वहीं मुस्तफिजुर रहमान ने दूसरी गेंद खतरनाक की ओर कर फेंकी, ऋषभ पंत ने अपना विकेट बचाया और फिर सिंगल ले लिया। एक बार फिर सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर जा चुके थे और इंडिया को जीत के लिए 4 गेंद में 21 रनों की दरकार थी। सूर्य कुमार यादव बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों पर 15 रनों की और जरूरत थी। हर कोई सूर्य कुमार यादव से उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ था, सभी दर्शक जीत की दुआ मांग रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान ने चौथी गेंद यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन चतुर सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उस गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अब टीम को जीत के लिए 2 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया, उस गेंद को सूर्य कुमार यादव ने पढ़ लिया। उसके बाद तो अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए उस गेंद को तारामंडल का दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया और अब टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए एक गेंद पर केवल 3 रनों की दरकार थी। हर कोई इंडिया की जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर टीम इंडिया को सुपर ओवर में एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और भारतीय टीम ने पहले ही T20 मैच में बांग्लादेश को शर्मनाक हार का स्वाद चखाकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली, हर किसी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल में से कौन सबसे खतरनाक
खतरनाक बल्लेबाज है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच के पहले दिन ही भूखे शेरों की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, बल्कि इस बात को तो अकेले ही 400 रन ठोककर ना केवल उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया बल्कि तोड़ दिया ब्रायन लारा का रिकॉर्ड। तो आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम अभ्यास मैच के पहले ही दिनों पर घुटनों पर आ गई? कैसे रोहित ने बना डाला टेस्ट के 170 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर? रोहित शर्मा की तूफानी बैटिंग और अभ्यास मैच की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के बीच एक अभ्यास मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला चेन्नई के एम एस चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हुआ। जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर बांग्लादेश ने सोचा था कि उनके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भारत को धाकड़ शुरुआत दिलवाने के इरादे से उतरे थे और आते ही रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधे स्ट्रेट ड्राइव के से चौका बटोर कर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का पहला सेशन में तो तोड़ बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं निकाल पाए, लेकिन जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में कि इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल बांग्लादेशी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्हें कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश की तो आज शामत आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपनाया और दोस्तों अपने कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला यशस्वी जायसवाल ने मेहंदी हसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफ़ी खुश नजर आ रहा था और हो भी क्यों ना, जायसवाल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए जा रहे थे। रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों से अधिक की साझेदारी कर ली थी। साथ ही साथ रोहित शर्मा अपने शतक की तरफ बेहद करीब आ गए थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी शाकिब अल हसन की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। T20 के अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। भारत का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था और अभी भी ये दोनों बल्लेबाज उसी अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी बना ली और जायसवाल अपने प्रचंड रूप में आकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिए। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। फिर क्या था, दोनों बल्लेबाज ऐसे बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करते हुए नजर आए कि बांग्लादेश को किसी लायक नहीं छोड़ा।
पहले रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक जड़ा तो फिर तुरंत बाद जायसवाल ने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अभी अभ्यास मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने में लगभग 40 ओवर का खेल बचा हुआ था। दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दोहरा शतक लगाने के बाद रोहित T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 250 रन भी अपने पूरे कर लिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। वहीं जायसवाल बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। शाकिब अल हसन से लेकर तस्कीन अहमद यहां तक कि मेहंदी हसन मिराज हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। भारत का स्कोर 500 रनों के पार जा चुका था। दोनों